हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ, माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। माजी, मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी चुप, ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा, बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो, क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। पौना, मैं भी कैसी पागल हूँ, पौना यहाँ कैसे? पौना, पौना, तुम यहाँ? तुम नहीं जानती हो, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा पौना, ये बताओ कि माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे पौना, ये तुम बोल रही हो? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ? हाँ। कैसी हो बेटी? खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपके दामाद मुझे फूल की तरह रखते हैं। तुम खुश हो, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई बेटी। शादी के बाद तुम कैसी हो, यही चिंता सताई जा रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चले आए। चलिए पिताजी, आइए माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए माँ। बहुत बड़ा घर है बेटी। अरे बड़ा घर नहीं सरस्वती, ये तो बड़ी हवेली है। अरे नामू। जी भाईजी। खेत पर जाकर छोटे जमींदार जी को बता देना कि आस्त गांव से उनके सास और ससुर आए हैं, जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाए। जी भाईजी। जानकी, तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सरस्वती, जानकी को सुखी देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ, माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। Thank you.
तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? थप्पड़ तो तुमने अपनी बहू को मारा हो, लेकिन दर्द उसके माता पिता को ही हो रहा होगा। वो तो बेचारे अपनी बेटी की खुशहाली जानने के लिए आए थे, लेकिन तुमने दिए हैं उन्हें आंसू। मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। माजी, मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी चुप। ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा। बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो, क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डूलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था, अभी तक गए नहीं ये लोग? खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी, अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी। तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी रघुराम जी के साथ। जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली, वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, चलो वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी।
माँ! जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, हालात कह रहे हैं सरस्वती। नहीं, हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं। वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो, लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी क्या अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है? क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए। क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। मां मां ही रहती है और बाप बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं। क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं, भिखारी तो वो लड़के वाले हैं, वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक